सो प्रीवियस एपिसोड में तुम लोग ने एक्सपीरियंस किया टायरों के गेट रॉक। केट्रॉन में इतनी शक्ति है कि इस पूरी दुनिया को अपने अंदर कंज्यूम कर सकता है। वो केट्रॉन हमें भी मारने का ट्राई करता है, बट सैमुअल अपनी आखिरी सांस लेते हुए भी एक लास्ट भी मारता है उस केट्रॉन के पेट के अंदर। अंदर हमें मिलते पास्ट के सारे विलन्स। ये वही विलन्स है जिनको हमने अपने हाथों से मार चुके थे पास्ट में, बट कायरो ने उनको रिक्रिएट किया। हमने बहुत मुश्किल से उन सबको हराया एंड एंड में हमने उस केट्रॉन के हार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया और मार दिया केट्रॉन को। बट साइनिश के पास जाने के बाद पता चलता है कि केट्रॉन अभी भी मरा नहीं है, रिट्रीट कर दिया गया था एंड कायरो उसको फिर से रिपेयर करने में लगा हुआ है। तो इसका मतलब अपने पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए हम चले गए रे के पास, क्योंकि वो एक बंदा है जो कि हमें हेल्प कर सकता था। और फिर उसको धमका के प्यार से मनाया एंड चले गए कायरो के डायमेंशन में केट्रॉन को ढूंढने। बट आगे मुझे क्या दिखता है, कायरो के बनाए हुए क्लोन्स। तो ये है डार्क हीरो सीजन 3 एपिसोड नंबर 8। वीडियो को लाइक करके पॉपकॉर्न को भी रेडी कर लो, क्योंकि अभी तुम लोग देखने वाले हो कि आगे क्या होने वाला है। अबे ये तो नामुमकिन है यार, सैमुअल भाई पे तो कुछ नहीं है यार, फालतू जगह ये। जल्दी सैमुअल, ओए जल्दी आओ। प्रोवाइस सुन रहे हो कि नहीं यार? ये तो प्रोवाइस की चिल्लाने की आवाज है। आई थिंक प्रोवाइस को जरूरत है हमारी। ओ जाना चिप, सैमुअल भाई चलो। कुछ हो तो नहीं गया प्रोवाइस को? ओ भाई, ओ प्रोवाइस ये क्या है? वही तो भाई, तो सारे चेंबर्स और उनमें देख किस किस के क्लोन्स बने हैं। हाइपेरियन, मेरा खुद का क्लोन। भाई ये कायरो करना क्या चाहता है? पता नहीं, मुझे कुछ तो बुरा सेंस हो रहा है, हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। क्या बोल रहे हो? हमें जल्दी से अपना काम करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। ओ हाँ, अब सैमुअल सही बोल रहा है, जल्दी से एक काम करते, उस रोबोट को ढूंढते, तोड़ते फोड़ते, जो करना है निकल यहाँ से। और सुनो, कोई भी कुछ भी टच नहीं करेगा, ठीक है? ओ भाई, तो बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा है। अबे ओए कुछ कर मत, खतरनाक है। अबे मत टच मत। अबे भाई अलार्म बज रहा है। अबे नहीं, ये क्या किया चंकी तूने? यार प्रभु जी, मैंने क्या कर दिया? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, इससे पहले ही हो जाते। भाग भागते, जल्दी भागो, भागो यार, भागो सब लोग। नहीं प्रभु, मैंने बोला था कोई आ जाएगा। कायरो कैसे आ गया? ओ नहीं, ओ नो, तो तुम थ्री इडियट्स आखिर चले आए मेरे हाथों से मरने। बे कायरो, तुझे क्या लगता है हम तो तेरे आने से डर गए? हाँ तुम याद है ना, हम लोग ने कितने बार तेरे को हराया है? आया बड़ा है ना सैमुअल। अच्छा जंकी बेटा, तुझे लगता है तू मेरे डायमेंशन में आके मेरे ही इलाके में मुझको मारेगा? मारे रास्ता क्या है, चमाट दूंगा ना। अबे ओए मत भड़का भाई, अपने को नहीं पता इसके डायमेंशन में क्या होता है। तो बताओ बच्चे लोग, अब कहाँ जाओगे तुम लोग? तुझे क्या लगता है हम लोग ऐसे ही आ जाते हैं कहीं भी? हाँ मुंह उठा के, अपने पास हर चीज का प्लान होता है। मुझे क्यों नहीं पता है प्लान प्रोपोज? ये चुप ना, सा प्लान। सैमुअल टीपी मारो। टीपी? अरे मुंह क्या देख रहा, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन थोड़ी है, टीपी मारो। अरे हाँ जल्दी, ये डायमेंशन में टीपी नहीं होता। अरे यार कौन बताएगा? तो आप क्या करेंगे प्रो बॉयज? अभी भागो, ये एक चार है, जल्दी। ये कैसा आइडिया था यार, फालतू पकड़ ले प्रो बॉयज। अबे नहीं यार, ये कैसे यार प्रो बॉयज? अरे सैमुअल कुछ करो यहाँ से निकालने के लिए। प्रो बॉयज चमकी, मेरी शक्तियाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, अब मुझे लगता है यही अंत है। अरे क्या अंत है यार, सैमुअल भाई अब तो ऐसे मत बोलो यार। देखा क्या मिस्टो, ये है इनका प्लान, ये मेरा मैट्रिक्स ट्रैप है, समझे? इसमें तुम कोई भी एबिलिटी यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये है मेरा डायमेंशन। इस ट्रैप से निकलने के लिए तुम्हें कम से कम 1000 हाथियों का बल तो चाहिए होगा। नहीं अबे यार, ये कैसे जगह पे आके फंस गए यार? नहीं कुछ तो सैमुअल भाई, सैमुअल को कुछ मत कर रहे। कारो के बच्चे, सैमुअल को हाथ लगाया तो तेरा पैर तोड़ दूंगा भेड़िया बन के। ए पीछे हट, पीछे हट, पीछे हट कारो, तू एक हैवान है। तुम्हें क्या पता मैं बचपन में किस चीज से गुजरा हूँ? जब मैं छोटा था तब मैं हैकिंग करके दूसरों के बैंक अकाउंट्स खाली किया करता था,
मेरी माँ मुझे बहुत रोका करती थी, कहा करती थी बेटा भगवान से तो डरो, बट उन्हें कहाँ पता था कि इस दुनिया का नया भगवान मैं हूँ। अबे ये क्या किया? नहीं सैमुएल मर गया। भगवान इसको छोड़ूंगा नहीं। ये क्या है? छोड़ मुझे। अबे नहीं ये नहीं हो सकता। काट डालूंगा इसको मैं। नहीं 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 छोड़। नहीं गाइस ये सब नकली, ये असली नहीं है। बट मार दिया क्या? नहीं। क्या हुआ जंकी, तुम्हारे पैर क्यों कांप रहे हैं? डर लग रहा है तुम्हें? छोड़ूंगा नहीं तुझे, मुझे निकाल, टांग तोड़ दूंगा। अब पता चला असली डर, असली खौफ क्या होता है। ए निकल, दूर रह। छोड़। अबे नहीं प्रभास, नहीं 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 नहीं। क्या हुआ जंकी, टांग तोड़ेगा मेरी? टांग तोड़ना है? प्रभास तोड़, तोड़ना। टांग तू तब तोड़ेगा ना जब तू जिंदा रहेगा। अबे ये क्या कर दिया? नहीं ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो बस ही हो रहा है। नहीं करो तो चल प्रो वॉइस, तेरे दो दोस्तों को तो मैंने नर्क के द्वार भेज दिया है, अब तेरी बारी। करो बस बाहर निकलने दे मेरे को, इतनी दर्दनाक मौत दूंगा ना। निकाल। दर्दनाक मौत तो अभी तुझे मैं दूंगा प्रो बॉयज। डरो नहीं। व्हाट, ये कौन है? ये क्या हुआ? नहीं नहीं केमिस्टो, जंकी और सैमुएल तो मर चुके हैं, लेकिन ये प्रो बॉयज अभी तक मरा नहीं है, ये कहीं पर टेलीपोर्ट हुआ है। व्हाट, हर्मिट क्या क्या मर गया? ये हो क्या रहे हर्मिट? प्रोबॉयज अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। वाओ अबे ये क्या था, ये क्या किया हर्मिट ने? कहां पर आ गया था मैं उसके सारे लोग से? अरे भाई साहब क्या था ये, क्या देख लिया मैंने अभी, और अब ये कहां पर आ गया? और जंकी और सैमुएल उनका क्या हो गया? अबे यार ये कैसे, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। शिट शिट शिट, वो तो मर गए बट, और मैं जिंदा रह गया हर्मिट की वजह से। अरे यार क्या करूँ अभी मैं, और ये सब क्या है कैमराज? तो कोई कायरो की कोई बेसमेंट में आ गया हो क्या? ये कायरो का ही जगह लग रहा है मेरे को। ढूंढो उसे, भागने ना पाए वो। ये रोबोट यही कहीं पे है, जाओ सबके सब ढूंढो उसे। अभी तो कायरो की आवाज है यार, डर लग रहा है मेरे को। ये वो क्या, अभी सब लोग आ रहे हैं ढूंढने। ओह शिट शिट शिट, नहीं 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 नहीं, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? ये देखो गाइस ये केमिस्टो को ढूंढ रहा है। अबे यार यानी कि ये लोग मेरे रूम तक भी जल्दी पहुंच जाएंगे। ओह शिट क्या करूँ मैं, कुछ जाने का रास्ता भी नहीं है, ये दरवाजा भी बंद है, बट लीवर है बट। और ये क्या है कैमरा? वो ये देखो दिख रहा है एग्जैक्टली। व्हाट डैम यार, निकलता हूँ मैं। ये देखो यहाँ से भी आ रहे। ओह नो क्या करूँ क्या करूँ यार, सैमुएल और जंकी को भी मार दिया, मैं कैसे करूँगा यार ये जर्नी अभी कंटिन्यू? यार नहीं समझ में आ रहा मेरे को भी कुछ, मैं एकदम अकेला हो गया हूँ फिर से, जैसे शुरू किया था बिल्कुल वैसे ही। और अभी कायरो अगर आ गया तो ये जर्नी भी एंड हो जाएगी। नहीं यार क्या करूँ, एक तो यार पोर्टल का मेरे को बहुत डर लग रहा है, क्योंकि जैसे मैं इस पोर्टल से आया था वैसे अगर वो आ गया ना कायरो, तब तो गया मैं काम से। मेरे को लग रहा है गाइस ये मेरा एंड है, मेरे को नहीं लगता अभी मैं कहीं भी जा सकता हूँ यार, देख पूरी तरह से ट्रैप्ड हूँ मैं। क्या करूँ तो करूँगा क्या, बट पोर्टल में जाऊँ क्या? पोर्टल में भी नहीं जा पा रहा। नहीं यार नहीं, ये सब शेड में दोस्त लोग भी मर गए, किसी यार ये डार्क यूज का लास्ट एपिसोड होने वाला है। नहीं यार कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं जाने के लिए। ये देख रहे हो कैसे कुत्ते की तरह पीछे पड़े मेरे, कैनी का कंपोज भी यार एक तो खराब हो गया है, क्या करूँ मैं? ये क्या हो जाए, ओह नो आ गए वो लोग। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, नहीं भाई मैं नहीं खोल रहा अब, और क्या कर सकता हूँ? वेट पोर्टल अगर यहाँ से नहीं है तो पोर्टल से आ जाएंगे। नहीं 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 हम क्या करूँ यार, चेट 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 होके जा रहे। ठीक है हैमर, इस हैमर का क्या करूँ? ये ले, ओ टूट गया। ये क्या हो रहा है? ओ व्हाट, पोर्टल के अंदर गया तू, ये कहाँ पे आ गया? ओपी नहीं नहीं नहीं
फिर मतलब बच गया क्या मैं? लेट्स गो, यस, क्या बात है? यार कहाँ पे रखा है प्रो बॉयज? ओए, लगाता है। ये दोनों जिंदा है। सबर रखो जंकी, प्रो बॉयज आते ही होगा, जंगलों में गया था वो। लेकिन वेट, कायरा ने तो इन लोगों को मार दिया था, वो भी मेरे सामने। वो भी शायद हर्मिट ने इन लोगों को कुछ बचा लिया गया, जैसे उसने मेरी जान बचाई। लेट्स गो यार, मजा आ गया। आता ही होगा प्रो बॉयज। अरे अरे शमिल आ गया, मैं आ गया आ गया आ गया। ओ प्रो बॉयज, कहाँ पे गया था? अरे जंकी और शमिल, ये क्या है? अरे हम तो कब से यही है। ये कौन है? ये सामान यार, बह रुपया है मेरा, बह रुपया। अरे यार नहीं मिला यार वो सामान, कितना ढूंढा मैंने, नहीं मिल रहा है। कुछ यार मिलता नहीं था कुछ। जंकी शमिल उसकी बात मत सुनो, मैं यहाँ पे हूँ इसलिए। ये कोई था क्या प्रो बॉयज वहाँ पे? हाँ, अरे नहीं नहीं कोई नहीं यार, बट यार मेरे को वो चीज नहीं मिला यार, कैसे मिलेगा बता ना। वेट, व्हाट? ये कहाँ पे आ गया? अबे ये तो वो वाला टाइम है। अबे ये सब क्या हो रहा है? मैं कोई इल्यूजन विल्यूजन में आ गया हूँ क्या? कौन कर रहा है ये? अरे वेट, वो अबे ये तो लिया नहीं, बचा उसको। अबे मैं भी बचा लूंगा। अबे ये क्या हो रहा है? ओह नो, मेरी हेल्प। और ये तो टेरर वाली जगह, व्हाट? नहीं नहीं मरने वाला हूँ। ओह शिट, कहाँ खाना का? ओह ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को, दिमाग चकरा रहा है। और ये जगह, ये तो जाना पहचाना कैसा लग रहा है। एक मिनट, ये तो जेनेसिस का कैसल है। ओह माय गॉड, ओह नो यार, ये तो वही टाइम है जहाँ पे मैं जंकी सैमुअल जेनेसिस को मारने आए थे। क्या इसका मतलब कि मैं सच में पास्ट ट्रेवल कर रहा हूँ? पता नहीं पावर है या क्या है ये, लेकिन ये एकदम अच्छा मौका है। एक काम कर दो, मैं प्रोग्रेस में सब कुछ बता देता हूँ अभी, क्या क्या है कि सैमुअल और जंकी मरने वाले, ताकि ये सब कुछ कभी हो ही ना। यस, इनको पता है तो। ओह शिट, भाग रही तू? ओह नो, प्रो बॉयज इधर देखो। अरे ओए प्रो बॉयज सुन ना, अरे ये तो हीरो ब्राइन वाली जगह है। ओ नो, जंकी सैमुअल, इन लोगों को बताता हूँ। जंकी अबे ये कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? हीरो ब्राइन मार रहा है। अरे अबे यार ये सब क्या हो रहा है यार, जैसे ही उनके पास चारो टीपी हो रहा है। और ये क्या हो गया? ओए उठ 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 उठ, अरे ये तो वो वाला समय है। जंकी प्रो बॉयज उठ उठ, रे भी है। जंकी अपनी आंखें खोल, प्रो बॉयज तू तो खोल एटलीस्ट, फिर इनको मार के उठाता हूँ। व्हाट? अरे यार ये क्या हो रहा है? पर नहीं यार, मैं दिमाग चकरा रहा है सच में अभी। गाइस मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब हो क्या रहा है यार। मैं जैसी प्रोज के पास जा रहा हूँ उसको बताने के लिए, वैसे ही टाइम स्लिप हो जा रहा हूँ यार। ऐसे होगा तो मैं कैसे बचाऊंगा जंकी और शमिल को? किस्मत ने एक अच्छा मौका दिया है अपने दोस्तों को वापस लाने का, लेकिन मैं तो यार उनसे सही से मिल भी नहीं पा रहा हूँ यार। मुझे कैसे भी करके इस पावर को समझ नहीं होगा। कौन सी पावर है मेरे पास ये? सोच ऐसा तो नहीं कि मैं खुद से मिलने का ट्राई कर रहा हूँ इसलिए मैं टाइम स्लिप कर जा रहा हूँ यार। अगर मैं ये नहीं कर सकता तो मतलब क्या है पास्ट ट्रैवल करने का यार। वैसे बात तो सही है कि मैं अगर खुद से ही अगर मिल लूँ तो फिर आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक पैराडॉक्स क्रिएट हो सकता है। सो मैं यस अपने आप से तो नहीं मिल सकता यार, अभी भी मैं नहीं सोच पा रहा हूँ यार। कुछ तो सोच यार, मर गया यार सब लोग। सैमुअल ने कहा था यार अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानो, मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। वेट, कहीं मेरे इमोशंस तो नहीं जो कि मेरे रास्ते में आ रहे? ये फर्स्ट टाइम जब मैं पास वाले जंकी से मिला था ना, पास वाले जंकी और सैमुअल से, मेरे एकदम सामने थे आंखों के सामने, तो मेरी आंखों में एकदम आंसू आने ही वाले थे, इतना खुश हो गया था मैं यार। बट जैसे ही मैं उनके पास गया मैं टाइम स्लिप हो गया। इससे पता है मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जैसे ही मैं जंकी और सैमुअल को सोच के इमोशनल होता हूँ तभी कुछ तो रिएक्शन होता है और मैं टाइम स्लिप कर जाता हूँ। एक मिनट, एक काम करता हूँ गाइज, मैं क्या करता हूँ इस चीज़ को ट्राई करके देखता हूँ। अभी मैं ना एकदम जंकी और सैमुअल के बारे में सोचता हूँ और अपने पुराने पलों को याद करता हूँ, देखते इससे कुछ होता है कि नहीं। वैसे अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो फिर जंकी सैमुअल भी आजू बाजू ही होने चाहिए, लेकिन एक बार मैं ट्राई करता हूँ सोचने का। प्रो बॉयज,
प्रोबोइस क्या हो गया प्रोबोइस उठ इसका गोल्डन एप्पल बनाऊंगा मैं मारू क्या तेरे को मुश्किल से मिलता है एप्पल एंड ये वर्क कर गया मैं दूसरी जगह पे हूँ मैंने सोचा नहीं था कि ये एक्चुअली में वर्क करेगा बट दिस इज ट्रू कि जब इमोशंस मुझे कंट्रोल करते हैं तब मैं टाइम स्लिप कर जाता हूँ इसलिए अब इमोशंस को मुझ में नहीं मुझे इमोशन को काबू करना होगा और देख के लग रहा है कि मैं वेल्को के किंगडम में आ चुका हूँ इसका मतलब सैमुएल जंकी भी यहीं पे होने चाहिए यार डर लग रहा है वेट इसके अंदर पूरे ओह शिट लेकिन वेट वेट अगर मैं खुद जाके उनको बताऊंगा तो यार मैं तो इमोशनल हो जाऊंगा अगर कंट्रोल खो दिया तो फिर से टाइम स्लिप कर जाऊंगा और ये इस बार मैं उन्हें नहीं दे सकता बहुत ही अच्छा मौका मिला है इसको नहीं गवाऊंगा पता नहीं कब तक मेरे पास ये पावर है तो फिर अब आई गेस मेरे पास सिर्फ एक ही चाह रहा है कि फ्यूचर बता के उनको अलर्ट करने से अच्छा मैं उनको अपने से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देता हूँ यही एक सही रास्ता लग रहा है क्योंकि इनके मरने का कारण और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ यार कायर और शेंग मेरे पीछे पड़े और ये सब के बीच यार उनकी जान जाए ये मैं उन्हें नहीं दे सकता इनको दूर करना पड़ेगा मुझसे हमेशा हमेशा के लिए तो सिंपल है अगर मेरे साथ रहेंगे नहीं तो मरेंगे भी नहीं चलो जाता हूँ अंदर वेलको प्रोबॉयस और जंकी कैसा है यार तू फाइनली आ गया हाँ मैं आ गया प्रोबॉयस मुझे पता था तुम कितने भी कठिनाई आए तुम उसका सामना करके जरूर आओगे अच्छा हम तो इन दोनों को छोड़ दो अभी तुमने इनको बंदी बना के रखा है ना नहीं नहीं प्रोबॉयस मैं तो सिर्फ इनको अपने साथ लेके आया था क्योंकि ना मुझे पता था मैं इनको लेके आऊंगा तो तुम भागे भागे जरूर आओगे ये बस मेरा एक परीक्षा समझो ओ अच्छा प्रोबॉयस मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है क्योंकि ना मैं भी शेंग को हराना चाहता हूँ समझ रहा हूँ मैं तुम दो मिनट में साइड में आओगे क्या कुछ तो बात करना है मुझे प्रोबॉयस यार ये क्या बात करना है तुमको अरे तुम लोग प्लीज साइड में रहो प्रोबॉयस यार बात करना है ना मेरे को क्या हो गया प्रोबॉयस नहीं कुछ नहीं आप आओ इधर आओ वेलको भाई यार जल्दी आना चोमू है प्रोबॉयस को मारना पड़ेगा सैमुएल भाई देख वेलको अगर तू चाहता है कि मैं तेरी मदद करूं शेंग को मारने के लिए तो उससे पहले तुझे जंकी और सैमुएल को मारना हो ये सारी बातें मैंने जानबूझ के जंकी और सैमुएल के एकदम सामने की क्योंकि मैं चाहता था कि ये दोनों भी ये बात सुने और फिर मुझे नफरत करने लग जाए और बिल्कुल वही हुआ इन लोग ने ये सीक्रेट बात सुन ली प्रोबॉयस ये क्या बोल रही हो तुम्हें शर्म आनी चाहिए अरे थोड़ा थोड़ा आराम से बात करो क्या बोल रहा है प्रोबॉयस हम लोग को मारेगा सैमुएल देखो गद्दार बन चुका है प्रोबॉयस पता नहीं किसका पानी भी क्या है अबे क्या पानी क्या पानी क्या क्या सुना तूने कुछ नहीं सुना सैमुएल सुना ना आपने ये हम लोग को मारने की बात करा था प्रोबॉयस कुछ हो गया तो शेंग ने कब्जा कर लिया मार दे इन्हें मार दे नहीं प्रोबॉयस मैं सब कथा भी नहीं करूंगा मुझे लगा था तू अपने दोस्तों की फिक्र करता है पर नहीं तू एक लालची और दिमाग बंदा है प्रोबॉयस क्या हो गया तुम्हें ये क्या बोल रहे हो तुम यार प्रोबॉयस क्या है ऐसे क्यों कर रहे हैं तू यार क्या हो गया है मैं यार इतना तो अच्छा दोस्त था सॉरी जंकी मजाक कर रहे हैं क्या बट मुझे जंग जीतने के लिए तुम्हें मारना ही पड़ेगा कौन सी जंग प्लीज यार छोड़ो गाड़ी से जला दूंगा संभाल के यार याद कर प्रोबॉयस यार कैसे हम लोग उस तुम्हें को मिला था कैसल में हम लोगों ने एडवेंचर स्टार्ट किया था कैसे सैमुएल बाबा मिले थे हमको हम लोग ने सोचा कि हम शेंग को साथ में मारेंगे यार तुझे क्या हो गया है प्रो प्लीज आई थिंक इसमें आत्मा घुस चुकी है यार सैमुएल प्रोबॉयस नहीं रहा अभी धोखा दे रहा है गद्दार बन चुका है जिनकी मैं धोखेबाज अरे अबे नहीं इतना कैसे यार जंगी ने इमोशनल कर दिया शिट डेड यार सारा पानी फेर दिया इतना मस्त कितना अच्छा किया था सीन यार पूरा प्लान एकदम कामे हो ही गया था अबे यार मैं अरे यार अब मैं कहाँ पर आ गया हूँ अभी फिर से यार सब करना पड़ेगा चुप जा ओह शिट प्रोबॉयस और कौन है ये दूसरा बंदा कौन है शेरला गुप्ता अच्छा गाइस ये वो वाला समय है जहाँ पे हम दोनों मिलकर जंगी ढूंढ रहे थे याद है वो भेड़िया बन के सबको मार दिया था उसने विलेज में सारे जगह पे और फिर हम लोग को वो कहीं तो बेहोश पड़ा हुआ मिला ओके समझ आ गया और मुझे इतना क्या पता है कि मैंने काफ़ी देर तक ढूंढा था ऑलमोस्ट 2 घंटे तो लगे थे तो एक काम करता हूँ कि इससे पहले कि ये लोग ढूंढ ले उसे मैं जंकी के पास चले जाता हूँ क्योंकि मुझे रास्ता भी पता है और फिर जंकी को भड़का दूंगा प्रोबॉयस के खिलाफ एंड देन एकदम परफेक्ट तरीके से वर्क कर जाएगा
ओके आई गेस मैं पहुंच गया हूँ। ओरा 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 क्यों प्लीज यार ये वर्क कर जाए, वो कैसे करके बचाना यार जंकी और सैमिल को। प्लीज इस बार कुछ गड़बड़ तो ना, और जंकी है ना इधर, प्लीज प्लीज जंकी जंकी यस जंकी है इधर ही है, इधर ही है। यानी कि मेरा कैलकुलेशन एकदम करेक्ट है, और तो भी उनको आने के लिए ज़्यादा टाइम तो नहीं है, बट 10-15 मिनट तो लगेगा एटलीस्ट। चलो इसको जाके मुझे कुछ ना कुछ तो भड़काना पड़ेगा। क्या करूँ तो जंकी बेटा उठ उठ, ये क्या किया तूने प्रभास? तुझे पता भी है तूने क्या किया है? अरे मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया मैंने। तुझे पता नहीं है कि तू भेड़िया बन रहा है? व्हाट कौन सा भेड़िया, मैं भेड़िया नहीं हूँ। अरे तुझे किस कायरों ने कुछ तो पिला दिया है जिससे कि तू भेड़िया बन रहा है? नहीं, तूने सैमुअल को मार दिया। सैमुअल तू दूर रह मेरे से। सैमुअल मैंने कुछ नहीं किया अबे। दूर रह, झूठ बोल रहा है। तूने सैमुअल को मार दिया। देखा सैमुअल अभी तो था देर पास साथ में थे, वो मर चुका है समझ रहा है? ये मैंने क्या कर दिया, कायरों को छोड़ूंगा नहीं। तूने 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 पता है दो दो विलेज में आतंक मचा दिया है, सारे लोगों को मार दिया, बच्चे भी सबको। उन विलेज को बताते बताते सैमुअल भी मर गया तेरे हाथों। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ याद नहीं है, मैं नहीं हूँ भेड़िया। प्लीज चल। नहीं नहीं नहीं, मेरे को भागना पड़ेगा। तू 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 भेड़िया है, निकल जा तू। तू दाना है, एक नंबर का। नहीं मैंने नहीं मारा। तू कीड़ा है, तू जानवर है, तू खूनी है। नहीं तू दोस्त बनने के लायक नहीं है। तूने मार दिया सैमुअल को। मैंने कुछ नहीं किया। चुप बैठ गद्दार। मैं भेड़िया नहीं, मैं जंकी हूँ यार। देख यार भेड़िया कहाँ पे, किधर है? नहीं है। हट गद्दार, गद्दार। ये क्या हो रहा है? यस लेट्स गो, भेड़िया बन गया, भेड़िया बन गया। मैं निकलता हूँ, मैं निकलता हूँ। ओह शिट 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 शिट। ओके ओके ओके, नाइस नाइस नाइस, मैं निकल लेता हूँ अभी। चलो हो गया मेरा काम, अब बोलो आते होंगे। अरे नहीं, टाइम स्लिप कैसे हो गया? अबे नहीं यार, अबे यार इतना अच्छा सब कुछ कर रहा था मैं, अबे यार कि क्यों? How did you TP here? अबे यार इसको क्या बताऊँ? It was a glitch I think. That's impossible. अबे गोचू है क्या? थोड़ा रुको ना। ओके अरे हाँ गाइस, ये बात सुन सकता है। लॉल मैं भी चैट में क्यों लिख रहा हूँ, भूल गया था। हाँ तो सुन सुन साइंटिस्ट, तेको एक जरूरी बात बताई थी यार। यू वेंट टू गैदर ऑक्सीजन फॉर कैनी राइट? वो अच्छा, मैं वो वाली जगह पे हूँ जहाँ पर कैनी के लिए दवाई लानी पड़ती है। ओके तो आई गेस वो लोग चले गए। सुन 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 क्या साइंटिस्ट सुन, एक्चुअली ना एक बहुत जरूरी बात है, तुझसे मैं करना चाहता था। सुनेगा क्या? यस श्योर व्हाई नॉट। हाँ तो सुन, ये जो कैनी और सैमुअल दिख रहे हैं ना, इनको मार दे, कोई भी दवाई पिला दे, इंजेक्शन डाल दे, इन दोनों को मार दे। सैमुअल भी मर जाना चाहिए, यही दोनों फसाद की जड़ है, इनकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। इनको मार दे यार, सच्ची में। इज योर ब्रेन रस्टेड और व्हाट? अरे अरे मार रहा है। अबे मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बहुत कैलकुलेट करके बोल रहा हूँ, देखो इन दोनों को मारना ही पड़ेगा। इन दोनों के दोनों एकदम कमजोर है, और मैं कमजोर लोग को अपने साथ नहीं रखता। ये लोग बोझ बन के रह जाएंगे अपने सर पे, इससे बोल रहा हूँ मार दे इन सबको। साइंटिस्ट मार दे। अरे प्रभास जी क्या बात कर रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो? तुम हमें मारना चाहते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? बट मैं क्या करूँ, तुम दोनों बोझ बन के रह गए हो। तुम हमें बता सकते थे। आरी विद शेंग, शेंग के साथ नहीं हूँ मैं, शेंग को हराने के लिए तो मैं बोल रहा हूँ। क्या हो गया प्रोबोइस तुम्हें? सेंस करो, थोड़ा सेंस पे रहो। मैं सेंस करके कह रहा हूँ, मुझे लगता है अब मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं है। लगता है तुम्हारा दिमाग फिर गया है। अगर तुम एक बार भी बोल देते हमें तो हम चले जाते, हम तुम पे बोझ नहीं बनते। तो चले जाओ यहाँ से, फिर नहीं चाहिए, लेके जाओ अपने बेटे को यहाँ से। ठीक है प्रोबोइस, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो यही होगा। माफ करना अगर मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बना। चलो निकलते हैं। हाँ निकल जाओ, जाओ। सोचा नहीं था रोबोट कभी ऐसा निकलेगा। जाओ मैं ऐसे ही हूँ, जाओ उठो। आए बड़े। Yes guys, let's go. Okay, all right guys. अपना मिशन सक्सेसफुल। अबे ये क्या लिख रहा है? ज्यादा बोल मत, ना मार दूंगा तुझे भी, समझा? चुपके रहने का। चल जा रहा हूँ मैं। अरे ती तो हट, उससे जवान लड़ा रहा है, जाने दे वरना मार खाएगा। हाँ नहीं तो आया बड़ा। चलो गाइस लेट्स गो, पहला काम एकदम सक्सेसफुल। सैमुअल को मैंने प्रोबोइस से जुदा कर दिया। यस, यानी फ्यूचर में हमारे सबके रास्ते अलग रहेंगे, और उससे वो लोग कभी मरेंगे ही नहीं। यस, मेरा फ्यूचर चेंज हो गया होगा। तो चलो निकलना कैसे?
अबे ओकुलस आइए, वो कैसे आ गया यहाँ पे? अच्छे मर जाऊंगा मर जाऊंगा। तो ओके, अरे यार कैसे हो गया, नहीं होना था यार टीपी। अबे यार इतना सब कुछ एकदम परफेक्ट था प्लान, बट वेट सारा प्लान एक्चुअली एग्जीक्यूट तो हो चुका है, यानी कि मैं अभी रुको टेरर वाले जगह पे हूँ, तो फिर अगर मैं प्लान काम कर गया होगा तो फिर शायद से वो लोग अलग हो गए होंगे और हमारी जो टाइमलाइन है वो चेंज हो गई होगी, यानी कि टेरर वाले जगह पे वो लोग नहीं आएंगे। ओके गाइज लेट्स सी, मेरा प्लान कामयाब कर जाएगा, फिर बच जाएंगे सैमुअल जंकी। यस अबे ये लोग कैसे आ रहे हैं? अबे नहीं, मैंने सैमुअल को इतना डांटा, इतना गद्दारी की, फिर भी ये लोग फिर से कैसे जुड़ गए? अबे क्या पागल है क्या, प्रोबोज ऐसे कैसे मना लिया उनको? अबे यार नहीं मनाने का होता है। अरे अब क्या करूं मैं, इतना भड़का दिया था सैमुअल को, शेट यार अभी अभी क्या करूं क्या करूं। और ये देखो रे भी इनके साथ है, तो फिर ये लोग यहाँ पे किस लिए आए होंगे? अबे यार ओ ये लोग कहाँ, वो ऑक्सीजन लेने आए हैं। ओके याद आया, और आएगे यहाँ पे हमारी फाइट टेरर से होती है क्योंकि हम लोग उसका मशीन तोड़ने का कोशिश करते। ओ शेट, बेटा मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि यार वो वर्क किया क्यों नहीं, इतना अच्छे से मैंने भड़काया था सैमुअल को, तो मेरा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इनका ठिकाना लगाना पड़ेगा अभी। सो ये लोग अभी जाने वाले आई गेस टेरर का मशीन डिस्ट्रॉय करने के लिए, जितना मुझे याद है। तो इससे मेरे पास एक मस्त आइडिया है। ओके रुको रुको रुको, मैं ये इनका प्लान सक्सेसफुल होने ही नहीं दूंगा। और यस वाटर ब्रीथिंग मिल गया, तो फिर अभी ये टेरर कहाँ पे मिलेगा? टेरर 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 अपने किंगडम में होगा। यस यस यस, और ये भैया रहा उसका किंगडम। यार प्लीज टेरर मिल जाए यहाँ पे, यहीं पे होना चाहिए। अरे मारेगी तो नहीं लो, पूरा टेरर। तो तुम लोग समझ गए होगे, गलती नहीं होनी चाहिए। टेरर हे, ये कौन है? अरे मैं प्रोबोइस, आपको मिला था ना वहाँ पे। ओ प्रोबोइस, तुम यहाँ पे कैसे आए? मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी आपसे, प्लीज कोपचे में आओ ना, साइड में आओ ना प्लीज। मुझे कोपचे में लेगा? प्लीज यार मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज जल्दी आओ। ठीक है आओ जल्दी आओ, मैं आता हूँ, ध्यान रखना, प्रोबोइस से बातचीत करके आता हूँ। बोलो अभी क्या बोलना है, जल्दी बोलो। सुनो हाँ। मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। चलिए हाँ। मैं और मेरे दोस्त पता है यहाँ पे क्यों आए? हम लोग यहाँ पे तुम्हारा वो मशीन तोड़ने के लिए आए। What? तुम कौन से मशीन की बात कर रहे हो? मुझे कोई मशीन नहीं पता। अरे वो मशीन जो तुम्हारा खाना बनाने की मशीन, याद है तुम्हारे टावर के ऊपर? हाँ हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? वो तो बहुत सीक्रेट है। वही तो बोल रहा हूँ ना, मैं और मेरे दोस्त लोग मिलके सब लोगों ने प्लानिंग बनाई की इस मशीन को तोड़ने वाले। हाँ, क्या बात कर रहे हो? हाँ इसे मैं आपको बताने हूँ। पर तुम मुझे प्लान क्यों बोल रहे हो, क्या हासिल करना चाहते हो मुझे बताकर? मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे मैं तुम्हें इसलिए बचा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि वो लोग तुम्हारा ये सारा प्लान बिगाड़े, और यही नहीं पूरे वाटर किंगडम को भी तबाह करने का सोचा है। मतलब तुम अपने दोस्त लोग को धोखा देके सब मुझे बता रहे हो? हाँ मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे इनका प्लान नहीं आ रहा पसंद, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो तुम्हें वो लोग अभी थोड़ी देर में वो मशीन के ऊपर मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए, मैं आगे की कार्रवाई करता हूँ। बड़ा एक चीज याद रखना कि जब भी तुम हम चारों को पकड़ोगे ना, तभी मैं ना मासूम बनने की एक्टिंग करूंगा। लेकिन प्लीज मेरे ऊपर विश्वास मत करना, मैं बस वहाँ पे एक्टिंग करूंगा कि मैंने नहीं मारा है, ठीक है? और मैंने कोई प्लान नहीं बनाया, पर तुम्हें विश्वास नहीं करना है। ठीक है ठीक है, तुम्हें हम सबको बंदी बनाना है, और थोड़ी देर बाद बस मुझे छोड़ देना है, और उन सारे लोग को हमेशा हमेशा के लिए कैद में रखना। ठीक है प्रभाष, ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है मैं चलता हूँ, छोड़ूंगा नहीं तुम्हारे साथी को मैं। ओके गाइस एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूट हो चुका है ये प्लान, अभी बस एकदम सही तरीके से चल जाए और फिर प्रभाष को सारे लोग हेट करने लगेंगे। यस यही तो मैं चाहता हूँ। ओ प्रभाष ये देख, ये रही मशीन। ओ यस लेट्स गो। तो मेरी चीज को फोड़ने के लिए क्या यूज कर सकता हूँ? टीएनटी यूज करते क्या? हाँ टीएनटी हम यूज कर सकते। अरे टीएनटी कैसे फटेगा पानी में? लूबू। अरे मेरे पास एक टेक्निक है, तुम बस देखो मैं कैसे करता हूँ। और तो बॉयज कैसा चल रहा है? अबे ये सब कैसे आए? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं।
अरे हमने कुछ नहीं किया, प्लीज हमें छोड़ दो, हम तो मदद से आए थे। सॉरी सॉरी। ओके गाइस, लग तो रहा है कि प्लान एकदम अच्छे से काम कर रहा है। थैंक यू प्रो बॉयज ये प्लान बताने के लिए मुझे। अरे मैंने कुछ नहीं बताया, क्या बोल रहा है प्रो बॉयज? क्या बोल रहा है ये? तूने सबको प्लान बताया? अरे मैंने नहीं बताया, झूठ बोल रहा है ये। ये तो इसको कैसे पता चला, ये कैसा क्यों बोल रहा है? कोई एंट्री क्या तो देख, उसने बोला कि प्रो बॉयज कैसा है, मतलब तुम दोनों मिले हुए हो। गाइस मस्त प्लान वर्क कर रहा है। अबे ये झूठ बोल रहा है, समझ तू? इसकी बात क्यों मान रहे हो? मैंने कुछ नहीं बताया। प्रो बॉयज तूने हमारे से झूठ बोला, इस गद्दारी के लिए तुझे सजा जरूर मिलेगी। शुक्रिया प्रो बॉयज, अगर आज तुम यहाँ पे नहीं होते तो हमारा मशीन टूट जाता, हम सारे गांव वासी भूखे मर जाते। मैंने नहीं बताया, मेरा यकीन करो। यार मैं प्रोबोस को सपोर्ट करता हूँ, उसने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है, टेरर का बच्चा। हाँ यार प्लीज मेरे ये यकीन करो। पागल है क्या, तुझे दिमाग घर पे छोड़ के आया है? टेरर बोल रहा है यहाँ पे कि प्रोबोस ने किया है, प्रोबोस ने बस कुछ पैसों के लिए मेरे साथ गद्दारी की है। धमकी समझ ए जो यार झूठे कीड़े यार, झूठ क्या बोल रहा है, मैं तो पता भी नहीं कुछ। हाँ मारो इस रे को। अरे कितने एक्टिंग करोगे, आ जाओ बस करो, अभी तुम्हें किडनैप करता हूँ। एक्टिंग ओके गाइस, एकदम परफेक्टली ये चीज वर्क कर गया है, अब बस ये किडनैप कर ले इन लोगों को। मैंने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। जाओ जेल में सड़। अबे यार ये क्या, ये क्या हो रहा है? तुम मरना नहीं है यार, आवाज रुको आवाज। अरे सेविल कुछ ना करो, अभी जेल में चक्कू भी से। नहीं अबे ये क्या किया, सबको टीवी मार दिया। शाबाश प्रो बॉयज, तुमने बहुत अच्छा नाटक किया, अभी नाटक करना बंद करो। अरे क्या नाटक किया, मेरे दोस्तों को पकड़ा क्यों, निकालो उनको। अरे अरे बस करो यार, चलो मैं चलता हूँ, बहुत शुक्रिया फिर से। ए रुक इधर आओ, बस मेरे दोस्त का पे। ओके गाइस एकदम परफेक्टली अपना प्लान काम कर चुका है, लेट्स गो। और अभी गाइस यहाँ पे ये खेल खत्म नहीं होता है, अभी टाइम आता है अपने पास वाले प्रभु के साथ बात करने का। अबे यार क्या हो रहा है, मेरे दोस्तों को पकड़ के लेके चला गया, और तू मेरा रूप लेके आया ना, जो भी है सामने मेरे। अरे नहीं नहीं नहीं, तू सुन शांत हो जा प्रभु, शांत हो जा, मेरी बात सुन। मैंने ही टेरर को कहा था कि तुम लोग यहाँ पे आने वाले हो इस मशीन को तोड़ने के लिए। क्या तेरे को कैसे पता चला तुम लोग यहाँ पे आने वाले? मैं फ्यूचर से आया हूँ, बोल तो रहा हूँ, मैं फ्यूचर वाला प्रोबोइज हूँ, यकीन कर मेरा। शांत रहे, बैठ उधर कोने में जा। सुन अभी बात मेरी, ध्यान से सुन एकदम, तू सोचा होगा कि मैंने इन सबको तेरे से अलग क्यों कर दिया? क्यों किया तूने ये, क्यों? क्योंकि अगर तू सच में मैं हूँ तो मैं अपने दोस्तों के साथ कभी ऐसा नहीं होने दूंगा, तू नकली है। तो तू जानना चाहता है फ्यूचर में क्या होता है तेरे इन दोस्तों के साथ? मुझे नहीं जानना ये सब चीजें, तेरे बातों से लग रहा है कि कुछ तो खतरनाक हुआ है, मैं नहीं जानना चाहता। सुन तू सुनना होगा क्योंकि यार सुनना बहुत जरूरी है यार। लेकिन नहीं सुनना मुझे यार ये सब, जहाँ से भी आया निकल यहाँ से। देख मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं कभी भी टाइम स्लिप मार सकता हूँ, इसे प्लीज सुन ले अच्छे से। बता दे फिर ऐसा क्या होता है फ्यूचर में? फ्यूचर में सारे के सारे तेरे दोस्त मर जाते हैं। लेकिन क्या? और वो सब किसकी वजह से होता है? झूठ बोल रहा तू। तेरी वजह से सब तू करता है। नहीं, नहीं, ये सब झूठ बोल रहा तू झूठ बोल रहा है। सच बोल रहा हूँ, यकीन कर, इसलिए तो मैं ये फिर से पास्ट को चेंज करने ट्राई कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कर सकता, ये तेरे एक ही बातों पे यकीन नहीं है। सुन आगे जाके सैमुअल और जंकी मारे जाते एक शैंक के विलन से, और उसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाता उनको बचाने के लिए, इसलिए मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए अभी से उनको जुदा करना चाहता हूँ। मुझे उससे पावर मिली कि मैं पास्ट में ट्रैवल कर सकता हूँ, तो मैं अगर पास्ट चेंज कर दूंगा तो फ्यूचर में वो कभी मरेंगे ही नहीं, समझ बात को। तुझे उनसे अलग रहना है, अगर वो तेरे साथ जाएंगे तो फिर वो मारे जाएंगे, और फिर जो तुझे रिग्रेट होगा वो शब्दों में बयान करने जैसा नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ समझ जा। नहीं चाहे हालत बिगड़ी कितनी भी क्यों ना हो जाए, और चाहे कोई भी दुश्मन हमारे सामने आ जाए, लेकिन मैं उनकी रक्षा खुद कर सकता हूँ, समझा? मेरे पास इतनी शक्ति तो है कि मैं उनकी रक्षा खुद कर सकता हूँ। तेरे ऐसा कायर नहीं हूँ, कायर मत बोल, कायर नहीं हूँ मैं। अरे ये क्या हो गया, नहीं टाइम स्लिप क्यों, और ये अभी तू मजे कर रहे हैं अभी तेरे को आएगी सिंधु ने ऑक्युलस को मार दिया कैनी वे से। अबे यार
कैसे क्या प्रोवाइज? ये कैसे हो सकता है? देखो कितना कैसा बंदा है ये। समझ के रे। इतना समझा था इस बंदे को तो इसने क्यों नहीं बात मानी मेरी? अबे क्या पागल बंदा है ये। कैस पागल हूँ क्या मैं थोड़ा सा यार? अब क्या करूंगा मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे बचाऊंगा इन सबको? यार मैं नहीं बचा सकता सैमुएल और जंकी को। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कायर हूँ मैं एक नंबर का। सही बोल रहा था वो प्रोवोइस यार। एक एक काम करता हूँ, मैं इस फसाद की जड़ को ही मिटा देता हूँ, जो कि है ये प्रोवोइस। इसी बंदे को खत्म कर देता हूँ, ताकि ना ही मैं रहूंगा ना ही मेरे दोस्त मरेंगे। बेटा इधर आ, तू फोड़ दा तू ये प्रोवोइस, मार दूंगा। ओ अबे नहीं यार, क्यों हो रहा हूँ मैं टीपी यार? गैस गुस्सा आ रहा है मुझे भी बहुत। क्या करूँ मैं अपने आप को भी नहीं मार पा रहा। करूँ तो करूँ क्या यार? अब क्या करूँ मैं? क्या ये क्या है? वो ये क्या है? ये कौन है? सरप्राइज, आखिरकार तू मुझे मिल गया। मेरा जंकी। तू आज मैं तुझे काट के रख दूंगा।